दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के मध्य फाइनल महामुकाबला खेला गया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए क्रीज पर रोहित शर्मा और विराट कोहली। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा 9 रनों का ही योगदान दे पाए। वहीं विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेल डाली। कोहली ने अपनी पारी में 6 चौके 2 छक्के भी जड़े। भारतीय टीम के विकेट कीपर शून्य के स्कोर पे पवेलियन चले गए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 3 रनों का ही योगदान दे पाए। भारतीय टीम के अक्षर पटेल ने 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। अक्षर पटेल ने 30 गेंदों में 47 रनों का ही योगदान दिया। वहीं अक्षर पटेल ने अपने पारी में 4 छक्के 2 चौके भी जड़े। वहीं शिवम दुबे ने 15 गेंदों में 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 176 रनों का लक्ष्य दिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से ऑनड्रिक नोकिया और केशव महाराज इन दोनों को 2-2 विकेट मिले। 176 रनों का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतरे रिजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक। साउथ अफ्रीका के रिजा हेंड्रिक्स ने 4 रनों का ही योगदान दे पाए। वहीं क्विंटन डिकॉक ने भी 39 रन लगाए। साथ ही डिकॉक ने 1 छक्के 4 चौके भी जड़े। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करन 0 के स्कोर पे पवेलियन चले गए। क्रिस्टन स्टफ ने भी 31 रनों का ही योगदान दे पाए। स्टफ ने अपने पारी में 3 चौके 1 छक्के भी जड़े। वही हेनरी क्लासेन ने भी अर्धशतकीय पारी खेल डाली। क्लासेन ने अपने पारी में 5 छक्के 2 चौके भी जड़े। वही डेविड मिलर ने भी 21 रनों की पारी खेली और डेविड मिलर ने सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठे। साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 170 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या को 3 विकेट मिले। साथ ही अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह इन दोनों को 2-2 विकेट मिले। इन सभी की मदद से भारतीय टीम 7 रनों से रोमांचक मुकाबले में विजयी रहा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।